पंजाब 1984 जदों अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग च बेकसूर ते मासूम लोकां नू गोलियां चला के भुन दिता। अज भी जदों उस दर्दनाक समें दी गल सामने आउंदी है तां अखां अगे खौफनाक मंजर घूमण लग जांदा है। सिख कौम दी नसल कुशी ही हुकमरान दा असल इरादा सी, जिसके चलदियां इन्नियां दिल दहलाउण वालियां करतूतां कीतियां गईयां। सिख ओ सत्याचार नूं कदे भी अपने मना चों नहीं मिटा सकदे। अजे तक उन्हां दे जख्म अल्ले ने, जिन्हां नूं शायद दोषियां नूं सज़ा देण दे बावजूद भी कोई नहीं भर सकदा। 1 नवंबर तो 3 नवंबर 1984 दे ओ 3 दिन ने जदों पूरी दिल्ली अते दिल्ली दा दिल जल रहा सी। 31 अक्तूबर 1984 नूं खबर आई के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नूं 2 सिखां ने कतल कर दिता है। उस तो अगले दिन जो मंजर दिल्ली ने देखा वह बहुत ही ज़्यादा डरावना सी। खून दे बदले खून दी मंशा ने सरकार नूं इन्ना बेरहम कर दिता कि सिखां दे गलां च टायर पा के उन्हां नूं साड़िया गया। जिथे जिथे भी सिख सी उन्हां नूं चुन चुन के घरों कढ़ के मारिया गया। सिखां दे घर बार बर्बाद कर दिते। इन्ना ही नहीं, इत्थों तक कि धियां भैणां दियां इज्जतां भी लुटियां गईयां। ट्रेना चो सिखां नूं उतार उतार के उन्हां दियां गर्दनां उतारियां गईयां। इह सारे जख्म सिखी दे दिल दे अजे तक रिस रहे ने, जिस नूं कोई भी मरहम नहीं भर सकदी। बंदूकां तां फौजियां ने फड़ियां होईयां सी, पर कंधा उन्हां नूं इंदिरा गांधी दा सी। जदों बरूद ने अकाल तख्त दे सीने नूं भुन्निया, सिखां दियां रूहां भी छल्ली हो गईयां। सिखां दे इलाके सुनसान हुंदे जा रहे सी। अज भी इंसाफ दी गुहार दी आवाज सिखां दे दिलां दी चीज ही बन के रह गई है। सोचण वाली गल ए है कि हुकमरान दी शह ते पुलिस भी खड़ी तमाशा देख रही सी। जदों संवेदना दी पगड़ी तलवारां ते टंगी जा रही सी। सिखां दा कतलेआम नहीं सी ओह, बल्कि सोच दा खात्मा करन दी साजिश सी, जिस ते लोकतंत्र दी स्थापना हुंदी है। दिल्ली दे तिलक बहार दे नाल नाल दर्जना अजिहे इलाके दे वसनीक इस दर्द नूं अज भी ओना ही ताज़ा समझदे ने जदों उन्हां नाल कोई इस बारे गल करदा है। हुकमराना वल्लों उन्हां नूं वादे तां मिले, आश्वासन भी मिले, मुआवजा भी मिलिया, पर जो नहीं मिलिया वह सी इंसाफ। उन्हां लोकां दी जिंदगी अज तक पटरी ते नहीं आ पाई। करीब 3000 तो भी ज़्यादा सिखां दा कतल किया गया। इंसाफ दी गुहार लगाउण वालियां दा इंतजार कदे भी खत्म नहीं होया। वैसे सरकारां जेड़ियां मर्जी रहियां होण, 1984 दे दंगे लोकतंत्र ते इक अजिहा धब्बा ने जिसनूं ना तां राजनीति धो सकी ते ना ही कानून। किन्नी हैरानी दी गल है कि इन्नियां गवाहियां होण दे बावजूद भी किसी एक नूं भी सज़ा नहीं हुई। ललित माकन, सज्जन कुमार, टाइटलर अते अजकेल वर्गी चौकड़ी सारी बरी हो गई। जदों मनमोहन सिंह तो लोकां दी उम्मीद लगी तां ओह माफ़ी मंग के संत हो गए। 1984 दे दंगियां दे इंसाफ दा इंतज़ार सिर्फ सिखां दे अंदर जिवें मर ही गया। सिर्फ हंजुआं तो बाद सुक्कियां अखां इको सवाल पुछदियां ने। सिर्फ हंजुआं तो बाद सुक्कियां अखां इको सवाल पुछदियां ने कि की झंडे दा मतलब 3 रंगां नूं चलाउण वाला इक पहिया या फिर लोकां दी जिंदगी च इन्हां रंगां नूं इंसाफ दे जरिए भरना असल आजादी हुंदा। चढ़दी कला टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट।